हेलो, दिस इज प्रांजल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक एट सेवन के। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 2021 के पहले 5G स्मार्टफोन की, जिसको लॉन्च किया है MI ने 5 जनवरी को। इस फोन का नाम है MI 10i और ये जो फ़ोन है Amazon.in पे एक्सक्लूसिव है और मैं इसको फर्स्ट सेल में परचेज़ किया था। तो मैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि इसमें जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो आपका जो मनी इसमें आप लगा रहे हैं 22,000 की प्राइस है 6GB 128GB वेरिएंट की, वो वर्थ करता है कि नहीं करता है। इसमें जो हाइप बनाई गई 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा यहाँ पर दिया गया है वो वर्थ करता है या नहीं करता है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसमें तो सारी कुछ बात करेंगे और यहाँ पर आपको इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दिस फोन इज़ वैल्यूएबल फॉर यू और नॉट। तो दोस्तों, ये है MI 10i का बॉक्स। यहाँ पर रिटेल बॉक्स इस तरह से आपको मिलता है और यहाँ पर आपको MI 10i मिल जाता है। आई फॉर इंडिया ने उन्होंने बताया गया है, MI वालों ने आई फॉर इंडिया बोला है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। पीछे तरफ आपको फीचर्स यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए हैं। यहाँ पर फीचर्स की बात करें तो 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलता है, जो कि एक अल्ट्रा क्लियर HD कैमरा यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर आपको 4820mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसको आप 33W के फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है। फ्रंट और बैक दोनों में यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है और इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर मिल जाता है। ये फ़ोन मेड इन इंडिया है, यहाँ पर 2-3 जगह यहाँ पर लिखा गया है मेड इन इंडिया ये फ़ोन है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं हमको बॉक्स कंटेंट यहाँ पर क्या क्या मिलता है। दोस्तों, ये है बॉक्स, रिटेल बॉक्स। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का AI कैमरा मिलता है EIS के साथ में। 750G यहाँ पर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 5G प्रोसेसर है। 120Hz की इंटेलिजेंट एडाप्टिव सिंक्रोनाइज डिस्प्ले है, जिससे कि जो आपका ऐप्स हैं वो अपने हिसाब से रिफ्रेश रेट को सेट कर सकती हैं। 4820mAh की बैटरी है, 33 फास्ट चार्जर के साथ में। बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमको यहाँ पर डिज़ाइन बाय Xiaomi का ये मिलता है और इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमको अंदर इसमें यहाँ बैक केस मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है ये पहले आपको सिम इजेक्टर पिन मिलती है, उसके बाद यहाँ पर एक बैक केस यहाँ पर दिया गया है। साथ में एक यूज़र गाइड दी गई है जिसको कोई कभी पढ़ता ही नहीं है। फिर ये है हमारा बैक केस, ये सॉफ्ट सिलिकन केस है, थोड़ा ब्लरी डिज़ाइन के साथ में आया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का केस है ये। और दोस्तों, आपको यहाँ पर फ़ोन मिल जाता है और साथ में 33W का फास्ट चार्जर यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और आपको यहाँ पर टाइप सी केबल मिल जाती है। दोस्तों, बात करते हैं इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छे बिल्ड में आता है। यहाँ पर आपको पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो टेक्सचर मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनी है और काफ़ी ज़्यादा कूल दिखता है। ये अटलांटिक ब्लू कलर में मैंने इसको परचेज़ किया था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। बैक साइड से बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है ये। और यहाँ पर आपको 5G का, देखिए यहाँ पर लोगो भी नीचे मिल जाता है। और इसमें कैमरा आपको की बात करें तो यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी मिलता है और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिलता है और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो मिलता है। यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और डेप्थ का कोई यहाँ पर खास काम नहीं है, तो इसको हटा देना चाहिए। थोड़ा सा दिखने में मॉड्यूल अच्छा लगता है वैसे। और इधर बात करें तो ड्यूल LED फ्लैश मिल जाता है आपको, ड्यूल टोन फ्लैश है। इसमें 2 LEDs होती हैं, एक हल्का टोन होता है, एक उसमें ब्राइट टोन होता है, तो ड्यूल LED फ्लैश मिल जाता है आपको। यहाँ आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्पीकर आपको मिलता है, स्पीकर वेंट, और उसके जस्ट बगल आपको नोटिफिकेशन लाइट मिल जाती है। नीचे की तरफ भी आपको एक स्पीकर मिलता है। यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है एंड देन इट इज़ 3.5mm जैक। एंड यहाँ पर आपको एक कैमरा मिल जाता है, कैमरा मॉड्यूल, एंड दिस स्क्रीन इज 6.67 इंच स्क्रीन, तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। तो मैं इसको बोट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं UI में। पर तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट, MI 12 का यहाँ पर आपको MI UI मिल जाता है, एंड्रॉयड 10 का यहाँ सपोर्ट मिल जाता है। और अगर हम बात करें इसमें फीचर्स की, तो सबसे जो मेन हाईलाइट फीचर है उसका कैमरा ही है। तो सबसे पहले चलते हैं कैमरे पे ही। तो कैमरे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ कई सारे मोड्स मिल जाते हैं और मुझे स्पेशली ये MI के जो कैमरे का मोड्स है काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ फोटो का आपको मोड मिल जाता है, फोटो मिल जाता है, वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, प्रो मोड यहाँ पर मिल जाता है आपको। प्रो मोड में आपको वाइट बैलेंस और फोकस को आप एडजस्ट कर सकते हैं और ISO एडजस्ट कर सकते हैं, लेंस वाइड लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस और माइक्रो लेंस का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। उसको 108 मेगापिक्सल का भी यहाँ सपोर्ट मिल जाता है आपको।
मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ 108 मेगापिक्सल्स के। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कैमरा सैंपल्स दिखा देते हैं इसके बैक कैमरा की। तो दोस्तों ये जो सैंपल देख रहे हैं आप, ये है बैक कैमरा का सैंपल, और यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में ये सैंपल लिया गया है, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो डिटेल्स आपको मिल जाती है आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। और ये है फ्लैश ऑन करने के बाद, और देख सकते हैं आप डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, और जो फ्लैश का टोन है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ वर्क किया हुआ है, तो यहाँ पर नाइट में फोटोग्राफी अच्छी हो सकती है। ये फोटो आप जो देख रहे हैं ये है बैक कैमरा की डे लाइट में, और ये नॉर्मल मोड में है और अच्छी फोटो आई है यहाँ पर, और शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी है आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट में अगर हम आपको दिखाएं हैं तो पोर्ट्रेट में भी ये पिक्चर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर जो एजेस हैं काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं, एकदम जैसे DSLR कैमरा में होते हैं एजेस ब्लर वैसे ही यहाँ पर हुए हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आउटपुट मिलता है। उसके बाद ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ली गई 108 मेगापिक्सल से, तो अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है। कलर को आप यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं कैमरा की UI में, और यहाँ पर अच्छा पिक्चर्स जो सेचुरेशन है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। 08 मेगापिक्सल से लिया गया है, और आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स है काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि जो पिक्चर काफ़ी दूर से लिया गया है, बट 108 मेगापिक्सल के हिसाब से इस कैमरे को और अच्छा वर्क होना चाहिए। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये है सेल्फी मोड की पिक्चर, ये सेल्फी मोड की पिक्चर है, और आप देख सकते हैं डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी यहाँ जो ब्यूटीफाई मोड वर्क किया है काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल मोड की पिक्चर है और अच्छा यहाँ पर वर्क किया है, और ये भी एक नॉर्मल मोड की पिक्चर है, और आप देख सकते हैं डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं, पिक्चर काफ़ी शार्प है। और यहाँ ये है पोर्ट्रेट मोड की, और आप देख सकते हैं जो ब्लर इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, जो हेयर है उनके पीछे काफ़ी अच्छा ब्लर हुआ है, यहाँ पर कोई ब्लर का ओवरलैप नहीं है आप देख सकते हैं, ये भी एक पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाता है आउटपुट इसके सेल्फी कैमरे का। ये पिक्चर आप देखिए ये डे लाइट की पिक्चर है, ये भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है। ये है थोड़ा वाइड शॉट, इसमें वाइड एंगल कैमरा आपको नहीं मिलता है, तो आपको वाइड एंगल सेल्फी आप नहीं ले सकते हैं। ये नाइट में पिक्चर ली गई है सेल्फी कैमरा से, और अच्छी आई है, ब्लर इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं नाइट में ही ली गई है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको ब्लर इफेक्ट मिल जाता है। ये जो पिक्चर है उसमें लाइटिंग कंडीशन सही नहीं थी, बट आप देख सकते हैं पिक्चर काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है। और वीडियो की बात करें तो वीडियो में आपको यहाँ पर 2x जूम मिल जाता है, जिसमें आपकी जो क्वालिटी है वो वेरी नहीं करेगी। वैसे आपको डिजिटल जूम भी मिल जाता है, और यहाँ पर ब्यूटीफाई का मोड मिल जाता है वीडियो में भी आपको, और इसमें आपको कई सारे सीन्स मिल जाते हैं जिसको कि आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर सुपर माइक्रो मोड भी मिल जाता है वीडियो वीडियो के अंदर, तो वीडियो में भी आप सब सारे मोड्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, यहाँ पर आप जो ब्लर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना ब्लर चाहिए। हेलो गाइस, दिस इज प्रांजल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी एंड वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम फ्रंट कैमरा ऑफ MI-10i, एंड आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग इन टू द डार्क एंड इट इज होल डार्क, यू आर नॉट गोइंग टू सी मी, एंड आई एम ऑल्सो वॉकिंग राइट नाउ, सो यू कैन जज हाउ इज द वीडियो क्वालिटी एंड हाउ इज द वाइड बैलेंस यू शुड सी इन दिस कैमरा ऑफ 16 मेगापिक्सल ऑफ फ्रंट, एंड हाउ इज द माई क्वालिटी यू कैन ऑल्सो जज, एंड आई फाउंड अ लाइट सोर्स सो यू विल जस्ट सी मी in the front of light, and right now I'm walking, and so you can also just how's the image video stabilization here, you get EIS, electronic image stabilization, so this is it, and so this is the night sample of front camera. और इसके बाद मोर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नाइट मोड मिल जाता है 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है, शॉर्ट वीडियो को मिल जाता है, पेनोरोमा मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स का मिल जाता है, व्लॉग का मिल जाता है। व्लॉग की बात करें तो आप डिफरेंट मोड्स में यहाँ पर व्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, और ये जो व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए एक अच्छा फीचर है। कई सारे आपको यहाँ पर थीम्स मिल जाते हैं व्लॉग के अंदर। यहाँ पर ड्यूल वीडियो का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप अपना जो फ्रंट कैमरा है और जो आपको बैक कैमरा है इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मोड में आपका जो सेल्फी कैमरा है और जो आपको बैक कैमरा है वो एक साथ वर्क करता है, और आप एक ही स्क्रीन पे दोनों कैमरा का यूज़ कर सकते हैं, तो ये ब्लॉगिंग में काफ़ी आपका हेल्प करेगा ये कैमरा। आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर अच्छा आउटपुट आपको मिल जाता है इस दोनों कैमरे का। और यहाँ पर क्लोन का ऑप्शन मिल जाता है, जो क्लोन में आप एक पर्सन का क्लोन बना सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा था, कई मज़ेदार फीचर आपको लगेगा क्लोन वाला।
तो दोस्तों यहाँ पर डायलर की अगर बात करें तो यहाँ जो डायलर है वो गूगल का डायलर दिया गया है, जो एमआई का नेटिव डायलर था उसको हटा दिया गया है, और मैसेजेस का भी जो ऑप्शन है वो गूगल के द्वारा ही मिलता है, यहाँ पर आपको शाओमी का जो डायलर है वो नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा, क्योंकि आप अगर कोई थीम चेंज करते हैं तो इसका जो कलर है वो ब्लू ही रहने वाला है और इसका कलर नहीं चेंज होता, तो ये थोड़ा सा इरिटेटिंग थिंग लगती है मुझे, बट हो सकता है कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट में कुछ इसका सॉल्यूशन निकल जाए। और यूआई की बात करें तो काफी स्मूथ यूआई है, मुझे एमआई यूआई थोड़ा पर्सनली पसंद भी है, और यहाँ पर मुझे कोई एड्स यहाँ पर देखने को नहीं मिले, एड्स अगर है भी तो यहाँ जो सजेशंस हैं उनको आप ऑफ कर सकते हैं मैनुअली, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और काफी सारे अपडेट्स यहाँ पर एमआई यूआई में आपको मिल जाते हैं, तो ये आपको कोई भी ये जो यूजर इंटरफेस है वो कभी निराश नहीं करेगा। तो हम बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है और काफी ब्राइट डिस्प्ले है। डिस्प्ले क्वालिटी की हम बात करें तो यहाँ वीडियो आपको दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है काफी अच्छी है, और जो साउंड है वो भी काफी यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, काफी लाउड साउंड मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर यहाँ मिलते हैं आपको, तो डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर आपको प्रोसेसर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, और ये 8 कोर बेस्ड प्रोसेसर है, इसमें आपको जो रैम मिलती है 6 GB और 128 GB का स्टोरेज मिलता है, जिसमें कि 114 GB यूजेबल आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जायरो एंड मैग्नेटिक कंपास, सारे तरह से सेंसर मिल जाते हैं, काफी अच्छी चीज है, एक फुल पैकेज डिवाइस ये हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके साउंड की, तो यहाँ पर आपको 2 स्पीकर मिल जाते हैं कि नीचे की तरफ, और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी आपको 2 ड्यूल स्पीकर मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर। तो मैं आपको साउंड एक डेमो दे देता हूँ। बात करें स्पीकर के साउंड की, तो काफी अच्छा साउंड आपको यहाँ पर मिल जाता है, और काफी लाउड साउंड है, और वन ऑफ द लाउडेस्ट स्पीकर भी बोल सकते हैं आप, काफी अच्छा यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी यहाँ पर आपको मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, इसकी सेंसिटिविटी की बात करें तो काफी अच्छी सेंसिटिविटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह मैंने टच किया ये ऑन हो गया, ठीक है, मन किया टच ऑन, यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है काफी अच्छी है यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर की। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक तुरंत ही, इसमें आपको लॉक स्क्रीन शो ही नहीं कर रहा है, डायरेक्ट अनलॉक कर दे रहा है, फेस अनलॉक काफी यहाँ पर फास्ट आपको मिल जाता है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है और जो फेस अनलॉक है दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहा है। दोस्तों बात करें सिम स्लॉट की, तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, यानी कि एक माइक्रो एसडी कार्ड या फिर एक नैनो सिम आप यूज कर सकते हैं, या 2 नैनो सिम आप यूज कर सकते हैं एक साथ, और आपको इस तरह से ऑप्शन मिलता है, और 128 GB की मेमोरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट आप 64 GB अगर ले रहे हैं वेरियंट इसका जो आता है 21,000 रुपीज में, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ओला वेरियंट मत परचेज करिए, बाकी आपके ऊपर है। तो मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ सिम, और आपको इसकी कॉल क्वालिटी किस तरह से मिलती है वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कॉल क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी कॉल क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है, आपको यहाँ पर ड्यूल स्पीकर जो दिए गए हैं अगर आप स्पीकर ऑन करते हैं तो काफी लाउड साउंड आपको सुनाई पड़ता है, और जो ईयर पीस इसमें दिया गया है ऊपर की तरफ उसका भी साउंड काफी क्लियर है, और जो सेकंड पर्सन से हम बात कर रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पर क्या कहते हैं अगर आप बात कर रहे हैं कोई नॉइज एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं तो कोई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ के जो आपको स्पीकर्स मिलते हैं, जो आपको ईयर पीस मिलता है, वो काफी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इस फोन के इनिशियल इंप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये जो फोन है वो काफी अच्छा डिजाइन का फोन है, काफी बढ़िया इसमें डिजाइन, जो बैक का डिजाइन काफी अच्छा है, काफी प्रीमियम आपको लुक मिल जाता है, और ओवरऑल डिजाइन भी काफी अच्छा है, काफी हैंडी है, थोड़ा सा बड़ा लगता है बट ठीक है, आ सकता है आपके ज्यादा छोटे हाथ होंगे तो प्रॉब्लम होगी, नहीं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, थोड़ा सा हैवी है बट ठीक है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो भी अच्छा है, 108 मेगापिक्सल का जो यूज़ है अभी मुझे कुछ समझ में उसमें नहीं आया, बट मैं अगर कैमरा कंपैरिजन इसका करूँगा तो मैं आपको डिटेल रिव्यूज़ के कैमरे का क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका कैमरा कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नॉर्ड से, तो इन दोनों कैमरे में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।
साथ में अगर हम बात करें कि ये फोन आपके परचेज करने के लिए है कि नहीं है, या फिर आपको वेट करना चाहिए रियलमी के फोन के लिए, रियलमी X7 के लिए, या फिर आपके पोको के फोन के लिए आपको वेट करना चाहिए, या फिर आप सैमसंग के फोन के लिए वेट कर सकते हैं, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस कंपनी का UI पसंद है। अगर आपको MI का UI पसंद है तो आप MI के 10i के साथ जा सकते हैं। अच्छा फोन है, इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है 2000 रुपीज़ का ICICI बैंक के कार्ड पे, तो आप उसको भी अगर 20,000 के अंदर आपको फोन ये मिल जाता है तो ये एक अच्छी डील है। इसमें अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, अच्छा UI है, अच्छा प्रोसेसर अच्छा है, कैमरा भी अच्छा मिल जाता है आपको, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस आपका रहेगा इस फोन के साथ में वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इसमें अगर आप एमोलेड स्क्रीन यहाँ पर प्रोवाइड की गई होती तो एक डील ब्रेकर फोन होता है, इसमें सारा कुछ एक तरह से आपको मिल जाता फिर तो। यहाँ पर डिस्प्ले वैसे काफ़ी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, वो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले, बट एमोलेड की बात थोड़ी अलग होती है, बहुत लोग को एमोलेड बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छा होता भी है। ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, मैं फाइनल रिव्यू दूंगा जब इस फ़ोन को मैं थोड़ा यूज़ करूँगा, और इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे जो आने वाली वीडियो है कोई नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, आप घर अपना बनाना चाहते हैं, आपको घर का मैप्स चाहिए, तो नीचे एक चैनल है, हमारा ही चैनल है प्रांजल होम डिजाइंस के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब कर लिए, वहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, वहाँ जो घर का मैप्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों टाइम कम होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बट अब कोशिश करेंगे आपको रेगुलर वीडियोज़ हर वीक वीडियो मिलती रहें, तो दोस्तों जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट इस तरह बनाए रखिएगा। और फाइनली ये फ़ोन अच्छा फ़ोन है, और जो प्राइस है 20 के अंदर आपको मिल रहा है, तो एक अच्छी डील है, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।